हमारे प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे साथी और प्रतिपक्ष के नेता रमेश डूडी जी, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जी जाटव, विद्युत मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, अशोक चांदना जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कुलदीप इंदौरा जी, तमाम यहाँ उपस्थित समन्वय मंच, उपस्थित विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारीगण, बोर्ड निगम के अध्यक्षगण और तमाम उपस्थित, इतनी बड़ी तादाद में एक ऐतिहासिक मीटिंग के रूप में आज आपने जो इतिहास रचा है, तमाम बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, इस मीटिंग ने वास्तव में एक इतिहास रच दिया है और उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल जिस समय इतनी बड़ी मीटिंग शायद ही पहले कभी नहीं होगी। आज वैसे 250 करोड़ रुपए की सड़कों का भी उद्घाटन होना था, पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल साहब का निधन हो गया, इसलिए जो आज उद्घाटन व शिलान्यास होने थे, जिसमें आपका आज बीकानेर नापासा जसासर स्टेट हाईवे 20B पर 244 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास होना था। इसी प्रकार नौका क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से 6 मिसिंग लिंक बनने थे, लोका बनाना था, बन गए हैं। करीब 1.5 करोड़ की लागत से लालम देसर बड़ा देसर से बिदास्तरिया और करीब 1.25 करोड़ की लागत से अरखी शहर से बैरासर मिसिंग लिंक सड़क निर्माण और 1 करोड़ 12 लाख की लागत से साधुड़ा से तेलिया नाडी और 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बादनू से लालम देसर छोटी सड़क निर्माण, ये सब पूरा हो गया। ये तमाम काम जो है, क्योंकि बादल साहब 90 साल के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, अकाली दल के थे, मेरा भी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब कभी राजस्थान जयपुर आए मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुख्यमंत्री निवास पे भी आए वो, हमने उनका स्वागत भी किया, सत्कार किया। बहुत आज जो व्यक्तित्व के धनी थे वो हमारे बीच नहीं रहे, आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसलिए हमने तय किया कि तमाम इन सड़कों का शिलान्यास और जो लोकार्पण है उसकी फॉर्मेलिटी करने जरूरत नहीं रहेगी, काम रुकना नहीं चाहिए। फॉर्मल उद्घाटन लोकार्पण मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा तमाम काम जो है आप शुरू कीजिएगा, रुकने की इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं आपको, जिससे कि समय पर काम पूरे हो सके। बाकी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डूडी साहब ने तो पूरा बजट भरण पढ़ दिया मेरे सामने, पूरा बजट भरण ही पढ़ दिया, तो आप बताओ मैं अब उसमें कौन सा चूज करूं, मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई है। या तो रंधावा साहब कोई फैसला कर दिया या हुडा साहब फैसला करते, पर फिर भी जो है, फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अब अगर मीटिंग कर करके मुझसे घोषणा करवाएंगे तो आप सोच सकते हो सब लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे आएंगे तो हमारे घोषणा करके ही जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा दूरी साहब को कि जो आपकी बाकी मांगे में, क्योंकि हर मांग इम्पोर्टेंट होती है, और जब मैंने कह रखा है हमारे विधायकगणों को, यहाँ बैठे हुए मंत्रीगण, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, आगे क्या बोले आप, देता ज्यादा नहीं थकूंगा, वो वादा आज भी मेरे जैन में है, वादा जैन में है, पर मुझे पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे, कई लोगों ने जिला ही मांग लिया, तब भी मुझे उनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले मैंने दे दिए राजस्थान की जनता को, क्योंकि एमएलए ने मांग लिए थे,
तो मैंने कहा कि मैंने कहा देते देते तो थकूंगा नहीं, तो वादा निभाओ। तो आज जो पूरी लिस्ट पड़ी है डूडी साहब ने, तमाम का इम्पोर्टेंट है, पर मैं चाहूंगा कि आज मैं सिर्फ जो है 3 घोषणा में करना चाहूंगा, बाकी मैं एग्जामिन करवाऊंगा, हम डूडी साहब मिल लेंगे, कब क्या हो सकता है संभावना वो मैं बाद में करूंगा। एक तो जैसा शहर में कॉलेज खोली जाएगी ये मैं घोषणा करता हूं, नंबर दो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डूडी साहब ने कहा है उप तहसील को तहसील बनाई जाएगी, ये दूसरी घोषणा है। और नंबर 3 यहाँ गौण मंडी स्थापित की जाएगी, ये नंबर 3। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बात करूंगा, उसके एस्टिमेट बनवाने पड़ेंगे। अब 220 केवीए का भी इन्होंने कह दिया है, इतने बड़े बड़े भरड़ होते हैं उसके लिए फाइनेंस भी है, बजट भी है, विभाग भी है, उसका मैं यमी करवा के कोशिश करूंगा। आज की मीटिंग को यादगार बनाने के लिए मैंने 3 घोषणाएं कर दी है, बाकी घोषणाएं भी मैं जब करूंगा तब जसरा सर की मीटिंग को याद करके करूंगा। दादा राम जी चौधरी की मूर्ति के अनावरण में गया था, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, ये 1.5-2 लाख की मीटिंग है, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है आपकी, इतिहास बन गया है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भाषण दे दिए हैं, मैं समझता हूं एक से बढ़कर एक बातें हुई है आपके सामने, देश में क्या हो रहा है ये ज्ञान होना चाहिए हमें, प्रदेश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये तमाम चिंतक विषय होने चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं, हम वर्तमान पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, प्रदेश को देश को, आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ियां बैठी हुई है, हेलीपैड पे देख रहा था, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतर रहा था, लाखों युवा वहां पर जिस उत्साह के साथ में खड़े थे, मैं और मेरे तमाम साथी बहुत इम्प्रेस हुए, युवाओं का जोश और खरोश तारीफ काबिल था। मैं चाहूंगा उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तित्व ऐसा हो, राजस्थान का युवा देश में नाम रोशन करे, देश की सेवा करने में आगे आए, इसलिए मैं युवाओं को समर्पित बजट पेश किया, विदेशों तक भेज रहे हम 500 बच्चों को अपने खर्चे पे, देखा होगा न्यूज आपने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 3 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, 75 साल में कॉलेज खोली 250, इन 5 साल में खुल गई है 3 कॉलेज, उसमें से 103 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज भी खुल गई है, 12 कृषि विश्वविद्यालय थे, नहीं कॉलेज थे, 75 साल में खुले हैं 12 कृषि कॉलेज, और मैंने 5 साल में खोल दिए 45 कृषि कॉलेज खोल दिए हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं अभी मेरे पास चार्ट नहीं पढ़ूं तो आपका आश्चर्य होगा, पिछले 5 साल में, इस 5 साल में मैंने लेखा जोखा दिया था असेंबली को, आप मेरे कई लोगों को जानकारी होगी, वरना आप इंटरनेट में देखना मेरे क्या होगा, कोई कमी नहीं रखी हमने। आज शिक्षा के अंदर राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है, देश के अंदर IIT राजस्थान में, IIM है, IIIT है, एम्स जोधपुर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में भी है, वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें ऐसी है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो आने वाला जमाना जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो सतही देश में प्रगति करना, प्रदेश में प्रगति करने में काम आएगा। किसानों के लिए अलग बजट पेश करना, इतिहास बनाया देश के अंदर राजस्थान सरकार ने, पहला राजस्थान राज्य है जिसने घोषणा की थी कि किसानों का बजट अलग पेश किया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपने तो रेलवे का बजट अलग पेश होता था, तमाम हमारी योजनाओं का आपने ठप कर दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर
रतलाम से वाया बांसवाड़ा बननी थी, नशीराबाद से बननी थी सवाईमाधोपुर वाया टोंक, सरमदर बननी थी वाया करौली, सब बंद कर दिया आपने, रेलवे बजट बंद कर दिया। हम जो है किसानों का अलग बजट पेश किया, युवाओं का अलग बजट समर्पित किया, इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। कैसे हम लोग राजस्थान को चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाएं, घोषणा जो की है महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उसमें चाहे 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं आपको मालूम है, 500 रुपए गैस सिलेंडर 76 लाख लोगों को दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, 1.4 करोड़ लोगों के बिल जीरो आएगा, 2000 यूनिट से किसानों 15 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा। इस प्रकार से कमी कोई हम छोड़ नहीं रहे हैं, दिन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 16-17 जिलों में हो गया है, सर्दी के वक्त में तकलीफ आता किसान रात को, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी जिलों के अंदर दिन को बिजली मिले, उचका में लगे हुए हैं जो आवारा पशु तंग करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो करोड़ों मीटर के तारबंदी सरकार बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसानों के लिए तारबंदी कर रही है, डिग्गी खोदने के लिए अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। आप सोच सकते हैं कि लंपी रोग में गाय मर गई 40,000 रुपए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 40,000 का बीमा प्रति गाय या भैंस, अभी भैंस का मैंने कल ही डिक्लेयर किया है, भैंस भी शामिल होगी, उनको हमने कर दिया है कि 2 पशुओं का हर परिवार में बीमा होगा, कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम सरकार देगी इंश्योरेंस कंपनी को, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, क्या मुद्दे थे, महंगाई बहुत भयंकर है, ये सब स्कीम हमारी है, महंगाई रात के लिए है, भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है सब जगह पर, भयंकर भीड़ पड़ रही है, आप देख रहे हो कि करीब 50-51 लाख गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को, 50-51 लाख मिल चुके हैं गारंटी कार्ड मिल चुके, अभी 3 दिन हुआ सिर्फ, 30वां दिन आज, 24-25, 26, बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। पेंशन दे रहे हम लोग, जिनको 500 रुपये मिलती थी, 750 रुपये मिलती थी, उनको 1000 रुपये में कर दी है। प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं कृपा करके आप हिंदुस्तान भर में एक ही पेंशन दो सबको, तकलीफ है लोगों को, सोशल सिक्योरिटी का कानून पास करो, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पास किया, नरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट से, राइट टू एजुकेशन पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से, राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक के लिए पास किया उन्होंने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे पर, हमारी सरकार ने, मैंने अभी 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, उसका खर्चा भी सरकार देगी, ये हमने तय कर दिया। अभी राजस्थान फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपये किलो गेहूं 3 रुपये किलो चावल जो स्कीम थी, हमने उसको भी, आपको मालूम है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अब मैं पैकेज दे रहा हूं 76 लाख लोगों को, जिनको 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो दालें मिलेगी, तमाम मसाले मिलेंगे, गेहूं फ्री मिल ही रहा है, पूरा किट बना करके हम लोग हर महीने देने के लिए हमने योजना बनाई है, वो आपके ध्यान में होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से महंगाई में राहत कैसे मिले लोगों को, कमर तोड़ महंगाई है, महिलाएं बहुत दुखी है, पुरुष बहुत दुखी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, हमने करीब 1.25 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है, 1.25 लाख से अधिक नौकरियां चल रही है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, 1 लाख मैंने घोषणा और कर दी है इस बजट के अंदर, कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जो सरकार कर सकती है मैं समझता हूँ कि उसमें सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गारंटी कार्ड देना बहुत बड़ी बात है, जो गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री कह रहा गारंटी देते हैं हम लोग सरकार की तरफ से, आपको 10 चीजें जो है जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो आपको मिलेगी। अब जो सरकार चल रही है देश के अंदर,
आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे, सोशल मीडिया का कमाल जो है, ये राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में ले जाने का देश को। तब जो है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, कोई कल्पना नहीं करता था 85 के अंदर, 84 के अंदर, जब मैं खुद मंत्री था राजीव गांधी के साथ में, तब तो हमारे विपक्षी लोग आज सत्ता बैठे हुए बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, देखिए राजीव गांधी दिमाग खराब हुआ है, कंप्यूटर जा रहा देश के अंदर, और कंप्यूटर आएगा तो टाइपिस्ट कहा जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी, ये इनकी दक्कन से सोच रही है हमेशा, इनकी प्रगति से सोच कभी रही नहीं है। एक बात मैं कई बार कहता हूं, आजादी के बाद में पंडित नेहरू ने बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाए, कल कारखाने बनाए, IIT, IIM, एग्रीकल्चर के लिए ICAR की संस्थाएं बनाई, दुनिया भर में नाम हुआ पंडित नेहरू का, बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा डैम बन रहा था, ये आज भारतीय जनता पार्टी उस पर कहलाती थी जनसंघ, आप मैंने कई चीज लोगों को मालूम होगा, जनसंघ कहलाती थी, जनसंघ के लोग कहते थे देखो पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, भाखड़ा डैम बनाया क्या, वहां पे बिजली का लगा रहा है, जब भाखड़ा डैम के पानी से बिजली पैदा हो जाएगी तो पानी की ताकत निकल जाएगी, पानी तक निकल जाएगी तो पानी खेतों में काम क्या आएगा, ये उनकी बुद्धि उस वक्त काम करती थी इस प्रकार से। अब आप सोच लीजिए वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उस वक्त जो बुद्धि काम करती थी, मेरे को लगता है कि आज भी जो फैसले वो कर रहे हैं, काले कानून किसानों के, अभी रंधावा साहब कह रहे थे 700 किसान मारे गए, एक व्यक्ति का मरना किसे कहते हैं, किसी परिवार से, और 700 किसान मारे गए, क्यों साल में निकाल दिया, बाद में आपने वापस लिया, अगर प्यार से बात कर लेते पहले आप, रास्ता निकाले थे तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जो आज देश के हालात है, लोकतंत्र खतरे में है, देश किस दिशा में देश जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, आलोचना करने वाले लोग हैं वो देशद्रोही है, क्या आलोचना करना हक नहीं है, मेरे खिलाफ आलोचना नहीं होती राजस्थान के अंदर, होती है मैं स्वागत करता हूं उनका, आलोचना अगर अखबार वाला करता है या कोई नेता करता है, अगर उसमें कोई अच्छी बात लिखी हुई है और मुझे लगता नहीं मुझे सुधार करना चाहिए अपने आप में या मेरी सरकार में, मुझे क्या दिक्कत है, अगर पब्लिक का भला होता हो तो मैं सुधार कर लूं उसके अंदर, पर मोदी जी की डिक्शनरी वो बात नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट डिक्शनरी बात नहीं है, वो तो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, कोई आलोचना करता है, लिखता है, वो देश छोड़िए जेल जाओ, कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं आपको हमको किसी को नहीं मालूम है। ये जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, इनकम टैक्स, ईडी, CBI का दुरुपयोग हो रहा है, हालात बड़े गंभीर है, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा, और लोकतंत्र माई बाप तो आप होते हो, देखिए हम चाहे कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, सरकारें बदलती रहती केंद्र में राज्य में, ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने देश को लोकतंत्र दिया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद के जमाने से ही, डॉक्टर अम्बेडकर ने बना संविधान, उनके आधार पर देश चल रहा है, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, देश को एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात वो करते थे, आप बताइए इतना बड़ा त्याग बलिदान आजादी पहले भी हुआ है बाद में हुआ है, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहा है, पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए, दुनिया के इतिहास में कभी भी 90,000 से अधिक सैनिकों को कर्नल, जनरल, मेजर सबको सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों के सामने इंदिरा गांधी ने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान की फौजों पर, इंदिरा गांधी पर, जिनके शासन में क्या नहीं हुआ, आज हमारे लोग तो काम है, हम दुनिया की ताकत बनते जा रहे हैं,
मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए हो इसलिए बन पाए हो कि आप लोकतंत्र जिंदा रखा है, ज्ञान देकर के देश को एक रखा, अखंड रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, ये मत भूलो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इसके माने क्या हुआ? एक पार्टी शासन, बहुत खतरनाक मंत्रा है आरएसएस की भी, बीजेपी की। अगर देश नहीं समझा टाइम पे, आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। रशिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव तो होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी वहां पर, एक पार्टी होगी, आपस में चुनाव लड़के नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएंगे। आज जो हम गरीब से गरीब, दलित के घर भी जाते हैं, किसान के घर पे जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ लगाते पैरों के, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सर्वर बनने के लिए, सब बातें खत्म हो जाएगी। और मान सम्मान अगर पब्लिक में माई बाप का है, आप सबका है, तो एक कांग्रेस का दिया हुआ है। तो जो घमंड और अहम चल रहा देश के अंदर, वो खतरनाक मोड़ ले रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने पहले बात की अडानी जी की, जवाब नहीं कोई भी। कांग्रेस शासन में जो कहावत अपने लोकल भाषा में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो डर के मारे कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में मुख्यमंत्री के इस्तीफे, कभी अशोक चव्हाण का इस्तीफा, विलासा देश का देशमुख जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा हो गया। शिवराज पाटिल थे गृह मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। बंसल साहब थे हमारे रेल मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। अश्विनी कुमार थे लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। और मोदी जी के राज में इस्तीफे की बात छोड़ो, अगर एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नंबर वन नेता, अगर मान लो खड़गे साहब और राहुल जी आरोप लगाए हाउस के अंदर मोदी जी पर, आप अडानी साहब का क्या रिश्ता आपसे है? क्या ये धर्म नहीं है सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को जवाब दे उनको वापिस? जवाब कुछ भी दो, आपकी मर्जी है। ये तो कहो मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है, आपको गलत जमी हुई है, आप झूठे आरोप लगा रहे हो, कुछ तो कहो। ये पहला मौका है देश के अंदर प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर रखा है अडानी जी के नाम पर। बताइए, ये लोकतंत्र में अच्छी बात है क्या? अब उनको कौन पूछेगा? राहुल गांधी को बोलने दिया नहीं हाउस के अंदर। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई देश के अंदर, दादी की हत्या हो गई इंदिरा गांधी की, उसको आपने षड्यंत्र करके पार्लियामेंट ही निकलवा दिया। जब वो फेमस हुए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नॉन वायलेंस को लेके, मुद्दे थे उनके, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है, और उनको षड्यंत्र किया। और जो मुकदमा 4 साल पहले किया हुआ था, ऐसे मुकदमे होते रहते हैं। अब पहली बार है कि जो सजा दी गई राहुल गांधी को, ऐसी सजा पहली बार मिली हिंदुस्तान में, इतिहास में पहले किसी नेता को, आप बताइए। और वही मुकदमा पहले रोक दिया, स्टे करवा दिया, मुकदमे करने वाले नहीं हाई कोर्ट से, जब निकालना था पार्लियामेंट से तो मुकदमा वापस शुरू करवा दिया। बताइए, ये षड्यंत्र नहीं है क्या है? इस प्रकार अगर षड्यंत्र चलेंगे देश के अंदर, आप सोच सकते हो देश का क्या होगा, देश का क्या होगा? देश तो 75 साल हो गए हैं, आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल अनंत काल से चलता रहेगा देश। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि सही को सही कहें, गलत को गलत हम कहें? इस प्रकार की भावना हम सबकी होनी चाहिए, तब जाकर के ये मुल्क जो है, जिस प्रकार की सोच हमारे नेताओं की रही है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की महान परंपराएं, हिंदुस्तान की दुनिया का कोई मुल्क मुकाबला कर नहीं सकता उसका। गांधी जैसे महापुरुष के लिए लोहा माना गया आज अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के मुल्कों में। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस मनाएगी, पूरी दुनिया मनाएगी आज, हमें गर्व होता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट था आइंस्टीन,
उसने कहा जर्मनी का था, अमेरिका में जाकर भर गया। जर्मनी में जब हिटलर का राज हुआ तो क्या कहा उन्होंने, आने वाली पीढ़ियां दुनिया की विश्वास नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम कोई हार्ड मास का व्यक्ति इस धरती पर चला भी है क्या, विश्वास नहीं होगा। इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका था। आप कल्पना कीजिए, हमें गर्व होता है इन बातों पर, और ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं। महात्मा गांधी कभी नाम फोटो लगा देंगे, कभी फोटो हटा देंगे। अब जिसने आरएसएस पे बैन लगाया, सरदार पटेल ने, उनकी बहुत बड़ी आत्मगत मूर्ति लगाई है मोदी जी ने, बताने के लिए गुजरात वासियों को, देखो मैं मानता हूँ सरदार पटेल को। अरे उन्होंने आपके ऊपर बैन लगाया, जानते थे आपकी विचारधारा क्या आरएसएस की है। ये इस प्रकार के जो अंबेडकर को जिंदगी में नाम नहीं लिया अंबेडकर का, नफरत करते थे दलितों से लोग, आज अंबेडकर की बात करते हैं वोट लेने के लिए। आपको हमको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सरकारें बदलती रहती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, एक सेकंड ने लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी गई, लोकतंत्र को मजबूत किया, दुनिया लोहा मानती है हमारे देश का। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग चुनाव आ रहे वापिस के स्कीम, हमने अभी टाइम लिंक में बताऊं आपको, आप लोग पढ़ते होंगे, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट, किसानों के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। अगर वो बिजनेस करना चाहे अपने खेत पर, एक्सपोर्ट करना चाहे, कई मैंने स्कीम बनाई है। ये तो आप नौजवान हैं, इनको स्टडी करनी पड़ेगी, आपस में गांव में चर्चाएं करनी पड़ेगी। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है, जब तक समाज का सहयोग नहीं मिले तब तक आप स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। आज हमने 2 महीने कैंप चलेंगे हमारे महंगाई राज के, 2 महीने 2000 कैंप जो है 2 महीने के बाद में परमानेंट चलते जाएंगे, जब तक हर व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, अपना पंजीकरण नहीं करवा रहे, चलते जाएगा। ये हमने व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप इन बातों का ध्यान रखें, और अगले चुनाव आ रहा है, चुनाव में हमने अनुभव किया है सरकार बदलती, हमारी स्कीम बदल देते लोग, सरकार बदलते स्कीम बदल जाती है और नुकसान होता है राजस्थान को। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, 40,000 करोड़ की रिफाइनरी लग रही है, हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, वहां उद्योग धंधे लगाएंगे, पचपदरा में, बालोतरा में, बाड़मेर के अंदर बंद किया, 5 साल से बंद कर दिया। अब आपको मालूम है क्या नुकसान हुआ है, 40,000 करोड़ की रिफाइनरी अब उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 70,000 करोड़ की हो गई है, तो 30,000 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो गया एक्स्ट्रा वहां पर। ये अपराध नहीं है क्या? ये अपराध है, ये अपराध किया है बीजेपी सरकार ने, पिछली सरकार ने, बताइए। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, कई उदाहरण है जो काम हमारी स्कीम बंद कर दी। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग डूब गए थे, मर गए थे तूफान से, हमने घोषणा की सबको नौकरी देने की घोषणा करी, नौकरी मैंने दे दी 15-20 लोगों को, सरकार चली गई, नई सरकार आई तो उसने नौकरी देना बंद भी कर दिया, जिनकी नौकरी लगी उनको नौकरी से निकाल दिया। अब बताइए आप, अब मैंने घोषणा कर दी है कोविड के अंदर, कोरोना में जो लोग मर गए हैं, अनाथ बच्चे हो गए हैं, उन सबकी मैं नौकरी लगा रहा हूँ, राजस्थान के अंदर नौकरी लगा रहा हूँ। आपको मालूम है अगर सरकार बदल गई है तो ये क्या उनकी नौकरी लगाएंगे? जो अपना आपको धार्मिक कहते हैं, गायों की सेवा हम करते हैं, गौशालाओं का अनुदान मैं दे रहा हूं, गौ रक्षा हम कर रहे हैं, और तो और अनुदान हम दे रहे हैं 9 महीने का, 12 महीने का नंदीशालाओं को, नंदीशालाएं बनाने हमने प्रारंभ कर दी राजस्थान के अंदर, 12 महीने अनुदान मिलेगा उनको, सब कुछ हम कर रहे हैं। लंबी रोग में गायों का मौज हम दे रहे हैं, किसानों को ठेकेदार बनते ही लोग गायों का ठेकेदार बन जाएंगे, धर्म का ठेकेदार बन जाएंगे, कोई आस्था इनके धर्म में नहीं है, खाली वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते, ये वो लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज आप भयंकर जिस तादाद में आए हो जसदासर में, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नहीं रहता दुनिया के अंदर, हम जब शहीद होता कोई बॉर्डर पर
उसकी मूर्ति लगाते हैं, या धनाराम जी चौधरी की तरह जो भामाशाह होता है उसकी मूर्ति लगाई है, मैं रामेश डूडी को और उनके परिवार को मैं उनका धन्यवाद करूंगा, हमें एक अवसर दे दिया। धनाराम जी जैसे भामाशाह जिनका एक नाम था, काम था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका मान सम्मान था समाज के अंदर, उनकी मूर्ति लगना मैं समझता हूँ कि जैसा सर में आने वाली पीढ़ी देखेगी ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, पता करेगी दानाराम जी लगी हुई, दानाराम जी कौन थे, क्यों लगी मूर्ति, तो मालूम पड़ेगा वो भामाशाह भी थे, समाज सेवा करते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति तो धनी थे। तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेती इन बातों को सुन करके कि ये मूर्ति शहीद की है, ये मूर्ति माँ मानव की है, ये मूर्ति माँ पुरुष की है, ये मूर्ति दानदाता की है, भामाशाह की है, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, उसी समाज आगे बढ़ता रहता है, ये हमारी समाज की खूबी है। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग सब जो है जब पधारे हो इस मुबारक मौके पर, मैं अपनी ओर से दादाराम जी के लिए सदा सुमन चढ़ाता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार धन्य है जिन्होंने सबने मिलकर के मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करवाया, हम सबको मौका दिया, सब तो बोल नहीं पाए हैं हमारे साथी, पर सबकी भावना एक ही है, हम सब मिलकर के चाहेंगे अगली सरकार बनाने में आप सबका सहयोग मिले, ये मैं आपसे अपील करूंगा। इस बार मूड लग रहा है मुझे, आज की जो मीटिंग है इसके बाद में और मुझे विश्वास पक्का हो गया है, जो मैंने कहा था अभी कि मैंने एक सर्वे करवाया है, सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी, रिपीट होने की जो सर्वे आया है उस पे हमें ड्यूटी जी ये आज की मीटिंग में जो लोग आए हैं आपको आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आज आपने जो हमने कहा था सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी उस पे आपने इस मीटिंग के माध्यम मोहर लगवा दी, मैं कहना चाहूंगा। बाकी कैंप शानदार चल रहे हैं, उन कैंपों में कामयाब करने के लिए आप लोग आगे आइएगा, यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपकी मांगे मुझे बताइए, गाड़ी के बाहर आके मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।